बीमारी के बीच अपने काम को आगे बढ़ाने का विकल्प ढूंढ रही है, तो वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी दर्शकों का मनोरंजन सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके को अपना रही है। इस बार वूट ओरिजिनल फिट अप विद द स्टार्स 3 मालिनी अग्रवाल द्वारा होस्ट किया जा रहा है। यह शो महामारी के दौरान यह सुनिश्चित कर रहा है कि दर्शकों को अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के लाइफ की कुछ झलकियां मिलती रहे और उन्हें करीब और व्यक्तिगत रूप से जानने का मौका मिले। इस हफ्ते शो में बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस काजोल ने हिस्सा लिया। काजोल अपने बबली अंदाज की वजह से जहां भी जाती हैं वो छा जाती हैं, और इस शो में कुछ ऐसा ही हुआ। यह एपिसोड 20 अगस्त को वूट पर स्ट्रीम होगा। होस्ट मालिनी से बातचीत में काजोल ने अपने और अपने परिवार के कई बातें शेयर की। मालिनी से बातचीत के दौरान काजोल ने कहा कि मुझे किताबें बहुत पसंद है और मैं अपने कॉफ़ी के साथ दिन में कम से कम 2-3 घंटे किताब पढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अभी फिल्म नहीं देख सकती हूँ, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं 3 घंटे की फ़िल्म देख सकूँ। हाँ, मैं थिएटर जा सकती हूँ पर फिल्म देखने नहीं जा सकती। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए काजोल ने कई बातों का खुलासा किया, जैसे कि वो एक्टिंग के अलावा फिल्में बनाना पसंद करती हैं। जी हाँ, वो एक्टिंग छोड़ने का विचार कर रही हैं, वो नहीं चाहती कि वो एक्टिंग करें। जी हाँ, ये खबर फैंस को थोड़ा हताश कर सकती है क्योंकि ये फैंस के लिए बेहद ही बुरी खबर है कि काजोल अब एक्टिंग छोड़ना चाहती हैं, वो फिल्मों को बनाना चाहती हैं ना कि एक्टिंग करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बड़ा फनी लगता है। उन्होंने कहा कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ मुझे ही समझ आता है, 90% मुझे लगता है कि मैं जो कह रही हूँ उसे कोई समझता ही नहीं है। मैं अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज देखती हूँ और मुझे बहुत फनी लगती है सारी चीज़ें। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सिर्फ एक रिपोर्ट।